और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी फॉरेस्ट कॉलोनी पुनासा रोड सन सनावत जिला खरगोन से सुश्री निमिषी त्रिपाठी को जिन्होंने मेरिट में दो सौ रैंक प्राप्त की निमिषी की स्कूली शिक्षा विमला कॉन्वेंट स्कूल सनावत खरगोन से हुई और उच्च शिक्षा बीएससी ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी उनकी सफलता की कहानी सभी को नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश मंत्री जी और इस मंच पे आमंत्रित सभी महानुभव और मेरे प्रिय अभिभावक अभिभावक शिक्षक और मेरे सभी प्रिय मित्रों यहाँ पर आ, मुझे इनवाइट किया है मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और जैसे कि हमें यहाँ पर सफलता के मंच प्रोग्राम में इनवाइट किया है तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में कोई भी करियर ऑप्शन या जो भी चॉइस कर रहे हैं आई थिंक उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक इंटरनल मोटिवेशन जो आपको अपने लाइफ के किसी भी वॉक में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है तो आपको जब भी आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो अंदर से आना चाहिए जैसे कि अब मुझे बचपन में क्योंकि मैं एक वन विभाग से अ, मेरा ताल्लुक है तो बहुत ही आइसोलेटेड जगह पर रहती थी मैं तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ uh, स्कूल एजुकेशन ट्रांसपोर्टेशन उसका काफ़ी अभाव रहता था क्योंकि वो काफ़ी मेन स्ट्रीम से अलग था तो उस परिस्थितियों में आ, मेरे दिमाग में हमेशा से ये प्रश्न रहता था कि अगर इन चीज़ों को मुझे बदलना है तो कैसे होगा तो उस समय मेरे पिताजी ने आ, मुझे बताया था कि एक कलेक्टर होता है जो आ, जिले में जो भी आ, पॉजिटिव चेंजेस है वो ला सकता है तो उनके थ्रू मैंने कलेक्टर के बारे में जाना और फिर वो मेरी लाइफ का गोल बन गया और जब आ, मैं पास आउट हुई तो मुझे यूपीएससी के राह पर डायरेक्शन हुआ और मुझे लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना, किसी ना किसी रूप में मिलती है आ, क्योंकि मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ तो ट्वेल्थ के बाद में मेरे एजुकेशन के बारे में मुझे नहीं पता था कि मैं आगे कैसे कंटिन्यू करने वाली हूँ या मैं कहाँ जाकर कर पढ़ूंगी बट मुझे लगता है कि गॉड ब्लेसेस यू एंड ही हेल्प्स यू जब आप खुद की मदद करते हैं सो so, मेरी लाइफ में आ, मेरे आ, पापा के एक बहुत ही सीनियर बोस्ट ऑफिसर हैं मिस्टर श्री संजय शुक्ला जी उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत गाइड किया इमोशनली एंड इन एवरी वे पॉसिबल एंड वो आज हमारे बीच में प्रेजेंट है सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द सपोर्ट ही हैज गिवन मी थैंक uh, यू uh, ये शेयर करने से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो आपकी कोई भी सिचुएशन हो अगर आप अपनी चॉइस के लिए अपने गोल के लिए डेडिकेटेड है देन यू आर गोइंग टू मेक इट इट इज़ वर्थ इट टू गो फॉर इट सेकेंड चीज़ मेरे फ्रेंड्स ने आपसे काफ़ी सारे मूल मंथ शेयर किए फॉर द क्रैकिंग द एग्ज़ाम या फिर अपने एग्जाम में आप कैसे कर सकते हैं बेहतर तो मैं भी वही कहना चाहूँगी सेल्फ मोटिवेशन कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी थिंग इन लाइफ एंड एग्जाम इज़ वन ऑफ दैम एंड उसके अलावा आई वुड लाइक टू से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए इट वुड हेल्प यू एंड एट दी एंड आई वुड लाइक टू से कर्तव्य पथ पर मैं चला जय लिए पराजय लिए हूँ अडिक अपने लक्ष्य पर अपने दुखों को सिये कठिनाइयाँ तो है घनी कठिनाइयाँ तो है घनी मुश्किलें सर उठाए खड़ी पर ना रुके थे ना रुकेंगे अपने सपनों को लिए भाग्य हो या अभाग्य हो पर हौसला ना बाध्य हो थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर वाक्या। निमिष जी आपने भी बहुत अच्छा सफलता का मंत्र हम सभी को दिया कि अंतर आत्मा को जागृत करना सबसे बेहद बेहद महत्वपूर्ण है आप किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करें लेकिन अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे